दोस्तों कलयुग में धर्म का लोप होता है और अधर्म की वृद्धि होती है। या तो सभी लोग जानते हैं, मानते हैं और आजकल महसूस भी कर रहे हैं। दोस्तों कलयुग में जैसे जैसे धर्म का लोप हो रहा है, पाखंडियों का बोलबाला हो रहा है, ढोंगी बाबा बनकर आम जन को ठग रहे हैं। इस घोर कलयुग में संतों का बुरा हाल हो रहा है। आश्रम व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी है। अर्थ संग्रहित करने में ही पूरा जीवन व्यतीत हो रहा है। दोस्तों हम सभी का जीवन काम प्रदान हो रहा है। अर्थ चेतना के स्थान पर ब्रह्म सुख को लेकर हर आम खास में आसक्ति बढ़ रही है। दोस्तों ऐसे में कलयुग के बारे में जो धर्म शास्त्रों में हजारों साल पहले लिखा है, वही हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि कलयुग में इंसानों औरतों का चरित्र कैसा होगा और वे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगी और कलयुग में क्या क्या घटनाएं होंगी। जानने के लिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और रोजाना इसी प्रकार के आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों अब जानते हैं। दोस्तों कलयुग को काला युग भी कह सकते हैं। वास्तव में यह क्लेश का युग है। जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वही कलयुग है। दोस्तों इस युग में धर्म सिर्फ एक चौथाई ही रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था और वर्तमान में 2021 चल रहा है। दोस्तों श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का विस्तार से वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान विष्णु का कालकी रूप में अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कालकी धर्म की रक्षा कर सबको धर्म पथ पर डालेंगे। दोस्तों कलयुग के अंत में संसार में अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना बिल्कुल बंद ही हो जाएगी, होगी तो वह बकरी के समान होगी। दोस्तों एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे, धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी, गाय दूध देना बंद कर देगी। दोस्तों कलयुग में मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाएगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। दोस्तों ब्रह्मा बेवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता के द्वादश स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखवेद जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तोदर धर्म, सत्य पवित्रता, क्षमा दया, आयु बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कालीकाल बढ़ता जाएगा। दोस्तों कलयुग में स्त्रियों का चरित्र कैसा होगा, आइए ये भी जानते हैं। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। दोस्तों जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। केवल गृहस्थी का भार ढोने वाले ही रह जाएंगे। दोस्तों कलयुग में लोग विषयी हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित, नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा।
दोस्तों मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। दोस्तों जुआ शराब पर स्त्री गमन और हिंसा ही धर्म होगा। दोस्तों पितृ पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके ही उद्घन होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, लेकिन समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत मलेच्छा हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। दोस्तों कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे, अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगी, बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बिल्कुल बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा करेंगे। स्त्री और पुरुष से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। दोस्तों ऐसा सब कुछ होने के बाद ही कालकि का इस दुनिया पर अवतार होगा और वो इन सारी बुराइयों को जड़ से खत्म कर देंगे। और दोस्तों इसके फिर बाद एक नए काल की शुरुआत होगी, जिसे हम सतयुग के नाम से जानते हैं, जहां पे फिर से एकदम खुशहाली ही खुशहाली होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।